जाने माने उद्योगपति रतन टाटा पंचतत्व में विलीन हो गए। मुंबई के वल्ली शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। रतन टाटा की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। उद्योग जगत से लेकर बॉलीवुड की हस्तियों ने देश के रतन को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा कई मायनों में अलग थे। दरिया दिल रतन टाटा अब यादों में है। दौलत और शोहरत के शिखर पर रहकर भी जिसकी सादगी मिसाल बन गई, उद्योग जगत का वो अनमोल रतन कभी ना जगने वाली नींद में सो गया। रतन टाटा के निधन के साथ ही व्यापार जगत में एक युग का अंत हो गया। उनका दिल बहुत बड़ा था, उनका रूप सुंदर था, उनका दिल भी उतना ही बहुत सुंदर था। वो ट्रू टाटा थे। मिस्टर टाटा में एक खासियत ये थी कि वो सच के पहरेदार थे। अगर आप उनको सच एडवाइस देते, उनको वही पसंद था। दौलत के ढेर पर तो बहुतेरे बैठे हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, लेकिन जो टॉप 10 में कभी नहीं रहे, वही हिंदुस्तानियों के दिलों में सबसे ज्यादा धड़के। वो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन थे और हमेशा इंस्पिरेशन रहेंगे। हम तो अपनी कंपनी में ही उनका नाम लेके चलते हैं, उनकी तरह हमको रोल मॉडल होना चाहिए। रतन टाटा भारतीय उद्योग और समाज में अपनी सादगी, नेतृत्व क्षमता और दानशीलता के लिए मशहूर रहे। असाधारण जीवन शैली, विनम्रता और व्यावसायिक दृष्टिकोण ने उन्हें भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक आदर्श शख्सियत बना दिया। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्माननीय उद्योजक रहे। टाटा समूह के महान उपलब्धियों और मानवता की सेवा के महान कार्यों के साथ रतन टाटा का नाम हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा भारतीय व्यापार जगत के सबसे बड़े और सम्मानित परिवारों में शुमार टाटा परिवार के सदस्य थे। महज 10 साल की उम्र में माता पिता का तलाक होने की वजह से उनकी परवरिश दादा दादी के साथ हुई। रतन टाटा ने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। करियर की शुरुआत एक साधारण ट्रेनी के तौर पर टाटा स्टील से की, जहां उन्होंने मजदूरों के तरह शॉप फ्लोर पर काम किया। 1971 में जेआरडी टाटा ने रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया। रतन टाटा ने अपनी समझदारी, मेहनत और दूरदर्शिता से समूह को एक ग्लोबल ब्रांड में तब्दील कर दिया। टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज, जगुआर लैंड रोवर और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसे ब्रांड्स को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने नैनो कार का निर्माण किया, जो दुनिया के सबसे सस्ती कार के रूप में जानी गई। रतन टाटा की सादगी और विनम्रता हमेशा उनकी पहचान रही। उनका जीवन और कार्यशैली दिखावे से बहुत दूर थी। रतन टाटा अकेले वीआईपी थे जो बिना किसी सहायक के अपने बैग और फाइलें उठाकर यात्रा करते थे। हवाई यात्रा के दौरान रतन टाटा कभी अपनी पसंदीदा कॉफी न मिलने पर फ्लाइट अटेंडेंट से शिकायत नहीं करते थे, बल्कि अपने काम में व्यस्त रहते थे। वो कुत्तों से बेहद प्यार करते थे, खासकर अपने दो जर्मन शेफर्ड टीटो और टैंगो से। बॉम्बे हाउस, जो टाटा समूह का मुख्यालय था, वो अक्सर आवारा कुत्तों को अपने साथ लिफ्ट में लेकर जाते थे और उनकी देखभाल करते थे। रतन टाटा स्ट्रे डॉग के वेलफेयर के लिए, उनके भलाई के लिए काफ़ी काम किया करते थे। यहाँ तक कि उनके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया करते थे। रतन टाटा अक्सर स्ट्रे डॉग के वेलफेयर किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए, उनकी बेहतर जीवन किस तरीके से प्रदान किया जाए, इसके लिए कार्य करते थे। कई सारे एनजीओस को रतन टाटा का समूह फंड भी किया करता है। यहाँ तक कि रतन टाटा ने अपने 5 सितारा होटल और ऑफिस के दरवाजे सदा स्ट्रे डॉग के लिए खुला करते थे। रतन टाटा अक्सर कहा करते थे, जब भी वो तनाव में होते हैं तो स्ट्रे डॉग जो उन्होंने अडॉप्ट किया है उनके पास चले जाते थे और उनका तनाव चुटकी में गायब हो जाता था। रतन टाटा न सिर्फ एक सफल उद्योगपति रहे बल्कि एक महान दानदाता भी। उनके दान कार्यों की लिस्ट काफी लंबी है, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा या फिर ग्रामीण विकास। रतन टाटा ने इसे मिशन के तौर पर लिया और इसको लेकर कई परियोजनाएं चलाई। उन्होंने टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट की स्थापना की, जो शिक्षा के क्षेत्र में कई गरीब बच्चों की मदद करता है।
रतन टाटा ने अपने व्यक्तिगत जीवन को हमेशा बहुत ही निजी रखा। वो अविवाहित रहे और अपने निजी जीवन को सार्वजनिक जीवन से अलग रखा। रतन टाटा की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सफलता का मतलब केवल धन और सत्ता नहीं, बल्कि ये भी है कि आप अपने जीवन में कितने लोगों को प्रेरित करते हैं और समाज को किस तरह से बेहतर बनाते हैं। इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज 24। निष्पक्ष मतलब न्यूज 24।